धर्मशाला में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुलह हलके में रमहेड़ तथा घरथू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में 60 के स्थान पर अब 330 जीवन रक्षक दवाइयां निशुल्क देने का फैसला लिया है। भवानक क्षेत्र की आसपास की पंचायतों में सभी पुरानी पाइपों को बदलने के लिए 2,77,00,000 रुपया व्यय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भवारना मुख्य सड़क कंक्रीट कार्य के लिए 48,00,000, वेटनरी अस्पताल भवारना के लिए 38,00,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया कि स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में 2,302 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसे लोग जिन्हें किसी प्रकार से सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्राप्त नहीं हो रही थी, ऐसे लोगों के लिए महत्वाकांक्षी यूनिवर्सल हेल्थ प्रोडक्शन स्कीम आरंभ की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में 60 की जगह अब 330 जीवन रक्षक दवाइयां निःशुल्क देने का फैसला लिया है। परमार ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवारना को सिविल अस्पताल का दर्जा देकर 50 बिस्तर में स्तरोन्नत करने के साथ साथ अतिरिक्त 22 पद भी सृजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भवारना में चिकित्सकों की संख्या को भी दुगना करने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। बजट पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर वर्ग का ध्यान रखा है और आने वाले समय में सरकारी योजनाओं को धरातल पर आने के बाद प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट किसान, बागवान, मजदूर, कर्मचारी, दीनहीन का बजट है और समाज के हर क्षेत्र में राहत देने का प्रयास किया गया है। अस्पताल बनना चाहिए, एक फरवरी को यहाँ बवहारना और आपके ही इस पंचायत में प्रोग्राम होता है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने 50 बिस्तरों का अस्पताल बवहारना के लिए स्वीकृत कर दिया है और वो बीमारू अस्पताल नहीं होगा। इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूँ, 22 नई पोस्टें क्रिएट हो चुकी हैं। पहले की जो पोस्टें हैं वो उतनी ही रहेंगी। डॉक्टरों की संख्या यहां पर डबल होने वाली है और यहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बवहारना में आने वाले हैं, ये इस मंच से मैं घोषणा करना चाहता हूं। और भवन भी इतना सुंदर और बढ़िया बनेगा कि आने वाली पीढ़ी उस अस्पताल में बढ़िया तरीके से उसे लाभ ले सके, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में अपना लोक निर्माण का डिवीजन हो। लगभग 450 किलोमीटर की सड़कें हमारे हलके में है, 450 किलोमीटर हमारा अपना लोक निर्माण डिवीजन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह करके गए हैं, औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। आने वाले दिनों में बवहारना में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन भी काम करेगा। सड़कों की